हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकोज वॉरियर में। बिल्कुल सही वीडियो आपने चूज किया है, क्योंकि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यह होता है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं और तैयारी करने के लिए आप लोग कौन से हथियार का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आपको MBBS से MD MS तक का सफर पूरा करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है सही रिसोर्स का चयन करना, कि आप कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल्स फॉलो कर रहे हैं, कौन से टीचर्स फैकल्टी का आप वीडियो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, और आप कैसे किस लेवल के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं सिलेक्शन के लिए और गुड रैंक को हासिल करने के लिए। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सफलता की सीढ़ी प्रेप लेटर के बारे में, उनके जो फैकल्टी मेंबर है वो कैसे हैं, उनका जो स्टडी मटेरियल्स है वो कैसा है, और उसका टेस्ट सीरीज कैसा है, ये सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यह वीडियो मेनली सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट के लिए होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि हर एक ईयर वाइज फैकल्टी मेंबर्स को देखना चाहिए कि कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेकेंड ईयर MBBS के सब्जेक्ट के बारे में। तो आपको पता होगा यहाँ पर फार्माकोलॉजी है, पैथोलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी है। जनरली स्टूडेंट्स फार्माकोलॉजी के लिए KD त्रिपाठी या शर्मा एंड शर्मा को प्रीफर करते हैं, हालांकि यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए मिल्ली व शानबाग को प्रीफर करते हैं। पैथोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर रॉबिन्स इज द बेस्ट बुक, और उसके अलावा हर्ष मोहन और दूसरा रामदास नायक प्रेफर किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए CBME बेस्ट एक ही बुक है, अपूर्व शास्त्री जी का बुक। तो यहाँ पे जो मेनली 3 बुक्स होते हैं जो कि स्टैंडर्ड बुक माने जाते हैं, यहाँ पे आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रेप लेडर के जो फैकल्टी मेंबर हैं वह कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और कौन कौन से सर किस तरह से कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फार्माकोलॉजी के बारे में। तो अगर आप किसी भी MBBS स्टूडेंट से जो कि सेकेंड ईयर पास आउट कर चुका है, अगर आप उससे पूछते हैं कि भारत में इंडिया में सबसे अच्छा फार्माकोलॉजी कौन पढ़ाता है, तो डेफिनेटली आपको एक ही आंसर सुनने को मिलेगा, वह है डॉक्टर गोविंद राय गर्ग सर का नाम। फार्माकोलॉजी के लिए आपको एक ही जवाब मिलेगा, डॉक्टर गोविंद राय गर्ग सर का नाम। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो इसका एक ही रीजन है कि जो उनका समझाने का तरीका है, कठिन से कठिन चीजों को आसान भाषा में समझाने का तरीका उनके पास है, और उनके पास ड्रग्स को याद करने के लिए जो कि फार्माकोलॉजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसका सॉल्यूशन उनके पास ट्रिक्स का भंडार है। तो आपको हर एक ड्रग वो याद करवा देंगे, और वह भी अपडेटेड ट्रिक्स होते हैं, ऐसे ट्रिक होते हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं या जिन्हें हम याद करना चाहते हैं। ट्रिक उनके बोरिंग नहीं होते हैं, और समझाने का तरीका, कठिन से कठिन चीजों को आसान करने का तरीका उनके पास बहुत ही अच्छा है। तो वह बेस्ट फैकल्टी भारत के फार्माकोलॉजी के लिए है। तो अगर आपको प्रेप लेटर को चूज करना है, कोई आपसे पूछे कि प्रेप लेटर को चूज करने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है आपका, तो इससे अच्छा रीजन कुछ नहीं हो सकता कि डॉक्टर गोविंद राय गर्ग सर प्रेप लेडर में फार्माकोलॉजी पढ़ाते हैं। तो मतलब यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए प्रेप लेडर बेस्ट कोचिंग है, डेफिनेटली है। तो अगर हम बात करते हैं इनके बुक्स के बारे में, तो इन्होंने एक बुक लिखा है, उसका नाम है रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी, जो कि मार्केट में काफी अच्छा चल रहा है। यह बुक डॉक्टर गोविंद राय गर्ग सर ने और स्पर्श गुप्ता सर ने मिलकर के लिखा है। स्पर्श गुप्ता सर भी पैथोलॉजी को पढ़ाते हैं, और यह अच्छी बात है कि यह भी प्रेप लेडर कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ही पढ़ाते हैं। तो स्पर्श गुप्ता सर, डॉक्टर गोविंद राय गर्ग सर दोनों एक साथ ही पढ़ाते हैं। अब हम लोग जानते हैं स्पर्श गुप्ता सर के बारे में, यह पैथोलॉजी को पढ़ाते हैं। आपको पता होगा पैथोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट है, इसको आसानी से पढ़ पाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हमारे स्पर्श गुप्ता सर ने जो स्टडी मटेरियल्स को तैयार किया है, जो इनके नोट्स है, वह सच में बहुत ही अच्छे हैं। अगर कोई इनके नोट्स को पढ़ता है ध्यान से, तो वह बहुत ही अच्छा रैंक अचीव कर लेता है। पैथोलॉजी के प्रोस्पेक्टस के बात करें अगर हम लोग, तो वो डेफिनेटली एक अच्छा रैंक को अचीव
कर पाएगा। देखिए पैथोलॉजी में आपको डेफिनेटली बहुत सी चीजें याद करनी पड़ेगी, आपको कैंसर्स को रटना पड़ेगा, आपको जो क्रॉस है माइक्रोस्कोपी है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। लेकिन तब भी अगर हम बात करें इंडिया में बेस्ट फैकल्टी के बारे में, तो पैथोलॉजी के लिए स्पर्श गुप्ता सर बेस्ट हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये, इनका जो नोट्स है काफी अच्छा है, और जो इनके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं वह भी काफी अच्छे लेवल के होते हैं, आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के लिए, तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए सोनू सर का नाम कौन नहीं सुना है, इनका पढ़ाने का तरीका भी काफी अच्छा है, जो इनके डायग्राम्स होते हैं वह काफी लिंक करते हैं थ्योरी से, तो अगर आप इसके डायग्राम्स देखते हैं तो आपका इंटरेस्ट माइक्रोबायोलॉजी में काफी ज्यादा बढ़ता है और आपको चीजें जल्दी याद होने लगती है। फिर बात करें जो नीट पीजी होता है उनके क्वेश्चंस की बात करें, तो जो माइक्रोबायोलॉजी के इनके नोट्स हैं वहां से हर बार मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन आते हैं, अगर एक या दो क्वेश्चन कई बार छूट सकते हैं लेकिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं वहां से पूरे और पूरे क्वेश्चन आने के। ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट जो नीट पीजी का क्वेश्चन पेपर बनाया गया है इनके नोट्स से ही बनाया गया है माइक्रोबायोलॉजी के लिए, यह बेस्ट फैकल्टी है। हालांकि हम सब यह जानते हैं अगर आपको कोई किसी भी एग्जाम में पास होना है, सिलेक्शन को हासिल करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होता है आपकी पढ़ाई, लेकिन हाँ एक अच्छी मार्गदर्शक भी जरूरी होता है, जो कि आपको तीनों सर, डॉक्टर स्पर्श गुप्ता सर, डॉक्टर गोविंद राय गर्ग सर, डॉक्टर सोनू सर, तीनों सर आपको बेस्ट मार्गदर्शक देंगे। फिर हम बात करते हैं कि हमें प्रेप लेटर को क्यों चूज करना चाहिए। देखिए फैकल्टी तो अच्छे हैं, ये तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है ही, क्योंकि वहां पे डॉक्टर गोविंद राय गर्ग सर हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि और भी क्या रीजन है कि हमें प्रेप लेटर को चूज करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट रीजन इसका यह होता है कि देखिए ऐसा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो सेकेंड ईयर एमबीबीएस के लिए सेपरेटली पैकेज प्रोवाइड करे, मतलब सबको अगर आपको लेना है प्लान्स को खरीदना है तो आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का कॉम्बो लेना पड़ेगा या आपको पूरा एमबीबीएस का ही लेना पड़ेगा, लेकिन प्रेप लेटर में आप केवल सेकेंड ईयर का भी ले सकते हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट इतना ज्यादा मनी पे नहीं कर सकते एक बार में उनके लिए यह बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वह सेकेंड प्रोप लेक्चर खरीद सकते हैं और बहुत ही सस्ता लेक्चर इनका होता है। अगर हम बात करें कॉस्ट के बारे में तो आपको अप्रोक्स 7800 में मिलता है, तब मिलेगा आपको जब आप कूपन कोड को यूज करेंगे, क्योंकि इसके पहले आपको जो कूपन कोड को यूज करने से आपको 3000 का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप कोड को यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं हमारे कोड को जो कि है BCHED3Q, यहाँ पर आपको 3000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स खरीदना है तो यहाँ पे उसके प्राइस ऐड होते हैं जो कि अप्रोक्स 1700 हैं, तो आपको नोट्स भी यहाँ पर इजिली मिल जाएंगे, नोट्स भी काफी अच्छे हैं, बेस्ट नोट्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो यह हुआ एक फायदा कि प्रेप लेटर ही ऐसा है जो आपको सेकेंड ईयर का जो कॉस्ट इफेक्टिव प्लान्स प्रोवाइड करेगा। अब दूसरा रीजन की बात करते हैं तो इसका जो नोट्स मैंने आपको पहले ही बताया बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही शॉर्ट है, मतलब आपको फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, इनका कहना है पढ़ो उतना ही जितना जरूरी हो, तो आपको फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपको पता भी है कि पहले जो सेकेंड ईयर था वह 18 महीने का होता था लेकिन अब अप्रोक्स 11 महीने या 12 महीने का हो गया है, तो उसके लिए आपके पास बहुत ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है, तो कम समय में अच्छी चीजें जरूरी चीजें पढ़ना है तो आपको प्रेप लेटर को ज्वाइन करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि इनके क्वेश्चन बैंक के बारे में, तो इनके जो क्वेश्चन बैंक है एक तो पहली बात कि हर बार एक क्वेश्चन मिलता है, हर डे आपको क्वेश्चन मिलता है विथ एक्सप्लेनेशन मिलता है। फिर बात करें यहाँ पे आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी हैं, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि यहाँ पर कस्टम मॉड्यूल प्रेजेंट है। इसका मतलब समझिए कस्टम मॉड्यूल होता क्या है। देखिए अगर आप चाहते हैं एग्जाम देना लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं एक ही चैप्टर पढ़ा हूं या यही टॉपिक पढ़ा हूं, अब एग्जाम कैसे दूं, कैसे प्रैक्टिस करूं, तो यहां पर आप अपने इच्छा अनुसार नंबर ऑफ क्वेश्चन चूज कर सकते हैं, टॉपिक चूज कर सकते हैं, आपको एग्जाम किस टॉपिक पे देना है, किस लेवल का देना है, वह सब आप चूज करके अपना खुद का एक पेपर क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। आप सिंपली इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पर आपको कस्टम मॉड्यूल पे क्लिक करना है, क्रिएट मॉड्यूल्स पे जाना है,
फिर वहां पे जाकर के आपको जितने क्वेश्चन चाहिए एग्जाम में, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं। फिर डिफिकल्टी लेवल को देखना है, इजी चाहिए, मीडियम चाहिए, हार्ड चाहिए, और आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए आप सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा आपका पेपर तैयार। आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। टाइम कम है तो कम टाइम का दीजिए, ज्यादा टाइम का दीजिए, तो आप अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह मुझे सबसे अच्छा लगा प्रेप लेटर का। ये सब चीजें हो गई क्यों आपको प्रेप लेटर खरीदना चाहिए, तो मैंने आपको बताया इसकी अच्छाइयां बताई और इनके जो फैकल्टी मेंबर हैं उनके बारे में बताया। अगर आपको प्राइस कम करना है तो आप कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। सो अगले वीडियो में मिलते हैं मैरो के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।